देश में फिर से हर दिन रिकॉर्ड बनाने लगा है कोरोना और 24 घंटे में करीब 47,000 नए केस सामने आए हैं। 212 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव के बीच बंगाल में कोरोना के 422 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान, पंजाब, MP इन राज्यों समेत देश के 10 राज्यों में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और करीब 85 जिलों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कोरोना की वजह से 20 महानगरों में हालात एक बार फिर बेकाबू होते दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब हैं महाराष्ट्र में, वहां पर 30,000 के करीब केस अकेले आए हैं पिछले 24 घंटे में, जो कि वहां की गंभीरता को बता रहे हैं। आइए जल्दी से इस बारे में और जानकारी देते हैं आपको। जनता कर्फ्यू का एक साल पूरा हुआ, लेकिन कोरोना अभी भी हम सब के बीच है, बल्कि और ज्यादा बढ़ रहा है। सवाल यही है कि कोरोना से इस लड़ाई में अब हम और क्या लापरवाह हो गए हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पर इस मैप के जरिए और यहाँ पर जनता कर्फ्यू का एक साल अभी भी देश का क्या हाल है ये हम बता रहे हैं। आप देखिए, ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं सबसे ज्यादा हालात कहाँ पर खराब हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब है महाराष्ट्र के, 30,535 केस अकेले इस सूबे में है। उसके बाद आप देखिए, पंजाब 2600 के आसपास केस, दिल्ली में 800 के केस, महाराष्ट्र में 1300, कर्नाटक में 1700, तमिलनाडु में 1200, ये और ये इतनी संख्या नहीं है, केरल में कम संख्या है इसमें, और गुजरात में 1500 के आसपास केस देखने को मिल रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि हालात कैसे वहां खराब हो रहे हैं। और इसीलिए अब कई राज्यों ने अपने कई शहरों में लॉकडाउन लगाए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाए हैं और कोशिश वो कर रहे हैं कि फिर से इस कोरोना की महामारी को फैलने से रोका जाए। लेकिन 43,000 के आसपास के केस अभी भारत में 24 घंटे में अगर रिकॉर्ड किए गए हैं तो यह बता रहा है कि कोरोना एक बार फिर से अपना फन उठा रहा है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।